प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ रियल एस्टेट ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी देता है। मैं हूँ राजवंत सिंह वाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है ये ह्यूमन रिलेशन को लेके मैंने बनाया है। ह्यूमन रिलेशन में मैंने लिखा है पीपल मैनेजमेंट में आती है संतुलित रिश्ते क्यों जरूरी हैं। संतुलित रिश्ते का क्या मतलब है कि आपको हर एक आदमी जो आपकी ज़िंदगी में है, आपके परिवार का मेंबर है, आपका रिश्तेदार है, आपके कोलीग्स हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं या सारा समाज, उसके साथ हमारे बेटर रिलेशन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यदि आपके रिलेशन बेटर नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली टेंशन में रहोगे। आप टेंस रहोगे तो जब आदमी का दिमाग टेंस रहता है तो वो प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे चला जाता है। जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे तो आपका दिमाग 100% उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जितनी एक नॉर्मल दिमाग देता है। मैंने ये लिखा है रिश्ते माँ बाप और भाई बहन के, जो भाइयों के साथ हैं, जो ये रिश्ते कैसे होने चाहिए माँ बाप और बहन। हमारे एक क्लोज रिश्तेदार, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफिसर लगा हुआ, उसने सारी उम्र अपनी वाइफ को समर्पित कर दी और वाइफ को समर्पित करने के बाद अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ वो रिश्ते नॉर्मल नहीं कर सका। प्रॉपर्टी बहुत बना ली, जो भी हो गया ठीक हो गया, लेकिन जब अब उनका रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम चल रही है तो वो रोना शुरू करता है, रोता है, फ़ोन करता है, रोता है, रोता रहता है कि मेरे को संभाल लो। भाई, जिस आदमी को आपने 40 साल तक नहीं बुलाया हो वो आदमी आपको कैसे संभाल लेगा? और तुम अकेले थोड़ी ठीक हो सकते हो कि तुम ही ठीक हो, तुम्हारे माँ बाप भी गलत थे, तुम्हारे बहन भाई भी गलत थे और तुम और तुम्हारी वाइफ भी ठीक थी। यदि ऐसा था तो आप रोने की क्या बात है, अब अपनी वाइफ के साथ सेट रहो ना। जब तुम्हारी चलती थी, जब तुम्हारे पास पैसा था, हेल्थ थी अच्छी थी, तब तुम किसी सभी को इग्नोर करते रहे और सभी को अपनी ऑफिसर होने का ताड़ देते रहे, उनको मतलब समझाते रहे कि हम ऑफिसर हैं। आपकी उनसे दूरी बन गई। अब यह दूरी इसी तरीके से रहेगी, अब तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं। यदि उसने अपने माँ बाप, बहन भाई और वाइफ के साथ बैलेंस्ड रिश्ता रखा होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। हर रिश्ते के साथ हमें इंसाफ करना बहुत जरूरी है। यदि आपकी माँ आपकी वाइफ को कोई गलत बात कहती है तो आपने अपनी माँ को भी रोकना है। यदि आपकी वाइफ आपके माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो आपने उसको भी रोकना है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आगे लिखा है जीवन साथी और बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। कई लोग अपने वाइफ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के किसी अपनी लाइफ की कमान किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। मेरे साथ एक तजिंदर नाम का लड़का था, मेरा पार्टनर रहा है वो, उसका भाई मलविंदर सिंह, उसके घर वाले एमबीए की हुई और 50,000 रुपये सैलरी लेती थी 2004 में। आज भी अभी मेरा ख्याल यदि वो एमबीए कर रही, मतलब कहीं नौकरी कर रही होगी, 2,00,000 रुपये कर। लेकिन उस बंदे ने, मलविंदर सिंह ने, तेजिंदर सिंह की इंटरफेरेंस होने की वजह से उस औरत को घर से निकाल दिया। घर से निकालने का मतलब उसको अपने पास रखा ही नहीं, और एक बेटी थी, बेटी को भी नहीं देखा, और ये पूरी की पूरी लाइफ उसकी डिस्टर्ब होगी। और जहाँ उसने दोबारा शादी की वो वहाँ पर वो लड़की थोड़ी बहुत ही कम पढ़ी लिखी है, 8-10,000 रुपये पे नौकरी करके मलविंदर सिंह का पेट पाल रही है। तब मलविंदर सिंह के पास फैक्ट्री थी, अच्छा काम था, लेकिन वक्त के चक्कर टाइम वो पहिए का पता नहीं लगता ना किस तरफ घूम जाता है। तो वक्त का पहिया थोड़ा घूमा, मलविंदर सिंह का काम थोड़ा डाउन हो गया। या हम तो ये कहते हैं कि तुम्हें श्राप लगा है अपनी वाइफ का, जिसको तुमने अपने भाई तेजिंदर के कहने से घर से निकाला है। तो ये यदि वो रिलेशन तेजिंदर के साथ सही रखता, अपनी वाइफ के साथ सही रखता, अपने ससुराल वालों के साथ सही रखता, तो आज वो वाइफ उसके पास होती, उसकी बेटी आज उसके पास होती, और हो सकता है ये जो परेशानी आई है उसको ना भी आती। ये जो हमारे दिमाग में आता है कि तेरे को श्राप लग गया, तो ये श्राप नहीं लगना था।
चलो लग भी जाता, कुछ और भी होता, तो कम से कम ये तो होता कि यार आपने क्या, किसी दूसरे बंदे की, भाई ने तुम्हारी जिंदगी में एंट्री करके, इस जिंदगी में इंटरफियर करके तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, और एक उस लड़की को नरक बना दिया, लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया जो तेरे घर में तेरी वाइफ बन के आई थी। तो ऐसे रिलेशन नहीं रखने, बैलेंस्ड रिलेशन रखने हैं यार, बहुत ज़रूरी है। यदि आप बैलेंस्ड रिलेशन रखने में कामयाब नहीं होगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको शराब का सहारा लेना पड़ेगा, किसी धार्मिक जगह का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं कोई जाके सारा सारा दिन गुरुद्वारे में बैठा रहता है, मंदिर में बैठा रहता है, क्यों, घर में आके उसको पता कि शांति मेरी भंग हो जाएगी, या कोई और कहीं अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। मतलब चाहे हम फिजिकली घर से दूर होते हैं लेकिन हमारे दिमाग पे ये स्ट्रेन हमेशा बना रहता है कि हम, हमारा वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, या कोई ऐसी सुबह बात हुई है जो हमारे मन में है, तो हम जब हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देता। समाज के साथ, ये मैंने लिखा है, समाज के साथ आपका रिलेशन कैसे, समाज में रहते हो यार बहुत खुश रहो, जब किसी को मिलते हो स्माइल दे के मिलो, हाथ मिला के मिलो, जबरदस्त मतलब उसको वार्म वेलकम करो बंदे को, आप अपना इंप्रेशन छोड़ो कि यार बंदा बहुत बढ़िया है। मैं बैंक में काम करता था, मेरी 10 से 5 ड्यूटी है, तो 10 से 5 ही मैंने काम करना है, मेरी सीट पे ड्राफ्ट बनाने का काम नहीं था, मेरे पास और दूसरी टेक्निकल सीटें थी। हमारे बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जो यूपी और बिहार में सेंट्रल बैंक की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोग जो मतलब यूपी बिहार से इधर मजदूरी करने आए हुए हैं, वो अपने घर में पैसे भेजते थे, सेंट्रल बैंक की ब्रांचें बहुत कम थी यहाँ पंजाब में, तो कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 15 किलोमीटर से ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो हमारे जो साथी थे वो कई बार भगाई देते थे उनको, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो मैं उनको अपने पास बुला के उनके ड्राफ्ट बनाता था, और उनको ड्राफ्ट बना के शोरटी भी देता था, साथ में बैठा के उनको पानी भी पूछता था। तो उसका रिलेशन, उसका मतलब क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ कि वो लोग मेरे साथ पर्सनल तौर पर जुड़ गए, और जब मैं किसी दिन, मैं क्योंकि ड्यूटी पर मैं कम ही जाता था, कई बार मतलब छुट्टी लेनी शुरू करती थी, तो लोग मेरे घर तक आ जाते थे कि सर हमारा ड्राफ्ट फंसा हुआ है, ड्राफ्ट निकाल दो, हम ये हो गया। तो मतलब ये रिलेशन आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, किसी का दिल जीतने के लिए कितना बड़ा काम है यार, आप उसका थोड़ी सी मदद कर रहे हो। मैंने 10 से 5 तो ड्यूटी करनी है ना, 5 बजे के बाद तो नहीं मेरे को बैठ, यार बैठना पड़ भी गया आधा घंटा, किसी 10 बंदों का आपको आशीर्वाद मिलता है, आपको आशीष मिलती है 10 बंदों की, तो फिर इसमें बुराई भी क्या आधे घंटे में यार, क्या कर लेना अपने घर आके, यदि 5 बजे निकल के, 5:15 बजे निकल के आके, 5 बजे घर पे आके स्कूटर लगा दिया, कार लगा दी, तो क्या निकल जाएगा उसमें से। तो आप 15-20 मिनट दे के तो देखो किसी को, कितनी आपको खूबसूरत मतलब आगे से जो स्माइल मिलेगी, और आपके लिए लोगों के मन में इज्जत आएगी, आशीर्वाद आएगा। तो इन चीज़ों को समाज में भी जब आपने विचरना है, अपने कोलीग्स के साथ जब चलना है, तो ये भी आपको मतलब उनके साथ सर्विस विद स्माइल, उनको जब भी मिलना है स्माइल के साथ ही मिलना है। जब आपका चेहरा हंसू हंसू करता रहेगा तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैंने फिर सहकर्मी और आपके व्यावसायिक साथियों के साथ, व्यावसायिक साथी या सहकर्मी जो कर्मचारी हैं उनका ज़्यादा पंगा नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी सैलरी लेनी, उसने अपनी, लेकिन आपकी बोलबानी जो है वो उनके साथ बहुत मधुर होनी चाहिए। यदि आपकी बोलबानी उनके साथ मधुर है तो आपके रिलेशन बेटर हो जाएंगे। आप जल्दी जल्दी गुस्सा ना करें, आपका जो चेहरा है वो स्माइल करे, आप टैक्टफुली हैंडल कर लो, किसी बंदे की हेल्प कर लो, और आपको मजाक करना आना चाहिए, आपको मजाक सहन करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। व्यवसायिक साथियों के साथ क्या है कि आपने उनके साथ कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई दुकानदार हो, उनके साथ जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी करते रहो। यदि आप उनके साथ कमिटमेंट पूरी करते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ है जो बहुत अच्छी बन जाएगी। स्वर्ग ऊपर वाला किसी ने नहीं देखा, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। सो दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।